फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे बहुत बोर हो रहा था और मेरे अपनी गेम के साथ खेलने में बिल्कुल मन नहीं था, तो मम्मा ने मुझे एक गेम सिखाई जिसका नाम था चार पर्ची। लेकिन हम ये चार पर्ची गेम कैसे खेलेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमें 4 पेपर स्लिप्स चाहिए और उन सब का लिखना है राजा, मंत्री, चोर और सिपाही। हम इन्हें अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे। हमारा ये भी पूरा हो गया। हमें ऐसे ही एक 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 बोर्ड भी चाहिए, लीडर बोर्ड भी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने सारे नाम लिखे हैं, एकांश, मम्मी, नानी, नानू। यहाँ पर सारे गेम्स हैं कि हम कितनी गेम्स खेलेंगे और इनमें टोटल भी है। राजा को 1000 पॉइंट्स मिलेंगे, मंत्री को 500, चोर को 0 और सिपाही को 100। अब हमें क्या करना है, हमें अपने हैंड्स में लेकर ऐसे शफल करना है और फिर ऐसे थ्रो करना है। अब सब एक उठाएंगे, जैसे कि मैंने एक उठाया और 1 नानी उठाएंगी, 1 मम्मी एंड 1 नानी। अब सब अपनी अपनी स्लिप्स खोलेंगे, जैसे कि मैंने खोली और जिसके पास राजा आया वो कहेगा मेरा मंत्री कौन है। तो मैं हूँ मंत्री, तो मैं कहूँगा मैं हूँ। तो फिर मंत्री को गेस करना है कि चोर और सिपाही कौन है, क्योंकि 2 ही प्लेयर्स बचे सिर्फ। तो अब मैं चूज करता हूँ कि वो सिपाही है और अगर मेरा सही निकला तो मुझे 500 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, तो मैं सारे स्लिप्स ले लेता हूँ। ओके, I'm going to shuffle it. Okay, तो अब मैं 1 उठाऊंगा और आप भी 1 उठाओ। Okay. मेरा मंत्री कौन है क्योंकि मैं राजा हूँ। ओह, मम्मा मेरी मंत्री है। मम्मा आप चोर और सिपाही का पता लगाओ। अच्छा, तो ये वाला चोर है और ये वाला सिपाही। देखते हैं क्या मम्मा सच कह रही है या फिर झूठ। ओ, ये वाला सिपाही है, यानी मम्मा करेक्ट कह रही थी, तो उन्हें 500 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अब मैं इसमें मार्क कर देता हूँ। मेरे 1000, मम्मा के होंगे 500। नानू के थे 0 क्योंकि नानू चोर थे और नानी सिपाही थी इसलिए उनके 100। अगर मम्मा ने ये गलत कहा होता तो मंत्री के जो पैसे जो पॉइंट्स थे वो चोर से एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि मम्मा गेस नहीं कर पाई और चोर जो मंत्री के 500 पॉइंट थे वो लेकर तो भाग गया। So if you like this game, please like and subscribe to my channel. Bye!